हेलो स्टूडेंट, आज आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक मोटर डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक मोटर डिवाइस क्या होता है आज आपको इसके बारे में बताएंगे। मोटर क्या होता है? मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन होती है ना, जो लाइट के थ्रू चलती है। ठीक है, तो उसका यूज क्या करती है, जब वो लाइट के थ्रू चलती है तो वो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जो ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इससे उपयुक्त क्या होता है, जो आपके मोटर होते हैं ना, मोटर उसके जो डिवाइस होते हैं तो उसका क्या कहते हैं, तो वो आपस में घूमने लगते हैं। अर्थात जो मशीनें हैं या यंत्र उस मोटर से जुड़े हुए हैं तो वो आपस में घूमने लगते हैं। जब वो इसलिए घूमते हैं क्योंकि लाइट उसमें जा रही है, ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा उसमें जा रही है। तो उसका उल्टा वर्क ये होता है कि यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा में बदलती है ना, जिससे आपका मोटर चलता है और जो आप कार्य करते हो वो आसानी से हो जाता है। और एक मोटर की ये भी बात है, कुछ मोटर आपने देखे होंगे है ना, व्यवसायों में या अपने घर में, जो जनरेटर के थ्रू चलते हैं है ना, जनरेटर के थ्रू वर्क करते हैं, स्थिति के अकॉर्डिंग मोटर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स। वर्किंग प्रिंसिपल मोटर्स क्या होते हैं कि किस थ्रू से ये चलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट है आपका बल या बल आघूर्ण। ये क्या होता है, ये विद्युत मोटर का मुख्य कार्य उद्देश्य चुंबकीय, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, बलाघूर्ण है, उसमें उत्पन्न जो बलाघूर्ण होता है, जो आपकी एनर्जी होती है, लाइट होती है, उसको स्टोर करके रोटेट करने का वर्क करता है। ठीक है, बलाघूर्ण क्या करता है, ये इसका मोटर का मुख्य उद्देश्य होता है ना, जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल या बलाघूर्ण के थ्रू उत्पन्न होते हैं और उसको स्टोर करके है ना रोटेट करने के बीच जो अपेक्षित गति होती है उसको करता है। फिर सेकेंड है आपका शक्ति क्या होता है, जो लाइट के थ्रू आपके मोटर में जाती है, तो आप जो जाती है वो कोणीय चाल रेडिएशन सेकेंड में न्यूटन प्रति कोणीय चाल रेडिएशन प्रति सेकेंड में न्यूटन मीटर की चाल से चलता है। फिर थर्ड है आपका लास्ट है आपका उपयोगिता। जो विद्युत मोटर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके व्यवसायों में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा होगा, जो विद्युत मोटर्स होते हैं उसके थ्रू ही मशीनें चलती हैं। ऐसे तो है नहीं कि लाइट चला दी आपने तो मोटर का वर्क नहीं, आपकी जो लाइटें होती है वो मशीन के ही थ्रू चलती है। तो मशीन किसके थ्रू चलती है, आपके मोटर के थ्रू चलती है। तो व्यवसायों में मोटर की उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो इसका मुख्य कार्य होता है वो मोटर की दक्षता के चालकों की तुलना में ऊंची होती है और साथ ही उसका जो वर्क होता है उसको वो तेजी से करता है, जिससे मोटर का आपका वर्क आसानी से हो जाता है। मोटर के थ्रू आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी ग्राइंडर है ना, और आपके बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसका मोटर में यूज होता है और उसके ही थ्रू आपकी मशीनें वर्क करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटर होता है जिसके थ्रू आप वर्क करते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा रेफ्रिजरेटर।